नौकरी चाहिए। अभी हमारे सामने उनकी वाइफ हैं, मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, आप बताइए कि मतलब प्रशासनिक लोग आपके साथ किस तरह से बर्बरता कर रहे हैं, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को और प्रशासनिक लोगों को? उसको बस इंसाफ चाहिए, 6 महीने का बच्चा है। मुझसे कहे थे इस बार मैं ड्यूटी पे जाऊंगा तो माफ कर देंगे, मुझको बस इंसाफ चाहिए। आपको लगता है कि वो पकड़ के लेकर आई है, उसको भी वही सजा दीजिए जो उसने किया, मेरे साथ धोखा किया। आपको लगता है कि योगी सरकार इस पर अगर विचार करेगी कि भाई अगर इस तरीके से प्रवर्ता हो रही है, देखो प्रशासन तो तोड़ मोड़ करके कुछ भी घुमा सकता है, तो आपको लगता है कि योगी जी आपकी चीजों को सुनेंगे समझेंगे? विचार करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सबकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, लोग ऐसे अन्याय अत्याचार करते जाएंगे, रोज आए दिन चाकू लेके निकले बस मार दिया, अब तो इंसान गाजर मूली हो गए, जहाँ मन कहता है काट दो, जैसे मन कहता है ऐसे फेंक दो, ये नहीं सोचते उनके पीछे उनका परिवार कैसे जी मर रहा होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, संभवतः मदद आपकी हमारे चैनल के द्वारा जितना हो पाएगा मैं करूंगा। तमाम लोग घर के बैठे हुए हैं, आप सामने देखिए खड़े हुए हैं सभी के सभी लोग, मैं इनके सामने यही कहना चाहूंगा शासन और प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक परिवार कैसे चलता है ये शायद अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जिस तरह से इनकी वाइफ की देखिए आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो इनके हस्बैंड के साथ हुआ है, ये आए दिन मैं कई बार दे चुका हूँ कि शहरों के कोनों कोनों में जितना भी आम तबके और मीडियम परिवार की फैमिली होती है उनके साथ ये बर्बरता होती है और सरकार उन तक इंसाफ क्यों नहीं पहुंचा पाती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रशासनिक लोग उसको तोड़ मोड़ करके पेश कर देते हैं, सरकार तक पूरी बात नहीं पहुंचती है। मैं इस परिवार के लिए सरकार से यही मांग करूंगा कि इनके परिवार का बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा इस पर विचार करें। जय हिंद। इनके घर वाले कहाँ हैं उनको बुलाओ, घर वाले कहाँ, घर वालों को बुलाओ, हाँ उनको बुलाओ, लेके आओ यहाँ डीएम कहाँ चला जाए, और डीएम कहाँ चला जाए, और डीएम घर वाले कहाँ हैं। आखिर घर वालों को क्यों छिपाया गया, पहला तो सवाल प्रशासनिक अधिकारियों से बनता है। हमको रोका गया, घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, जैसे तैसे मैं जबरन जाके घर वालों से मिल पाया, धक्का मुक्की तक कर डाली प्रशासनिक लोगों ने, बहुत प्रयास किया इस माइक को झुकाने में लेकिन झुका ना सके। जो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकती। हालांकि दो चार लोगों के फ़ोन भी हमारे पास आए, बोला गया कि प्रशासनिक के मुद्दे में आए हैं आप तो दुश्मनी महंगी पड़ेगी। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये दुश्मनी नहीं, ये समाज सेवा है, लोगों की दुआ ही हमारे लिए सर्वप्रिय हैं, लोगों की दुआ ही आशीर्वाद हमेशा सदैव हमें पल पल डग डग पर बचाने का प्रयास करती है। भगवान से बड़ा जनता जनार्दन होता है। मैं इंसाफ के लिए माइक लेकर आया हूँ और मैं वही कार्य कर रहा हूँ। उस महिला की चीख पुकार को आप सुन लीजिए, क्या कह रही है कि हिम्मत वाले हिम्मत बढ़ाते जा रहे हैं, अगर इस पर जोर नहीं दिया गया तो कोई भी किसी को मार सकता है। ज़रा आगे वीडियो देखिए, क्या आपका खून नहीं खौल रहा है, एक परिवार के साथ ना इंसाफी की जा रही है। आखिर पुलिस वाले हमें क्यों रोक रहे थे, इसका कारण क्या है, मैं सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब तो चाहिए ही। सामने दिखाओ, हाँ दिखाओ, ये सामने दिखा रहे हैं, ये हाल है हमारे देश के, दूर दूर चले जाओ, देख रहे हैं यहाँ पे एम्बुलेंस, आप जाम करवा दे, हम नहीं करा रहे, आप साइड पे खड़े होते हैं, यहाँ साइड यहाँ पे हूँ, अभी आप निकले, यहाँ पे आप देख रहे हैं गोडम्बा थाना का मामला है, गोडम्बा थाना के पीछे पीछे चलो, गोडम्बा थाना का मामला है, यहाँ पर एक मर्डर केस हुआ है, अभी मुझे जैसे जानकारी प्राप्त हुई, मैं यहाँ पर किसी भी प्रशासन से बहस करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर चाबी खाने आया हूँ, वो दे दे चाबी कौन लिया, यहाँ पे चाबी निकाल कानून हो उसने देगा, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि भाई अगर प्रशासन को एम्बुलेंस से लेके जा रहा है तो आखिर आखिर गाड़ी अभी क्यों निकले, एक चाबी मैंने निकाला नहीं है, आपने गलत काम किया, आप एम्बुलेंस की व्यवस्था फैला दे, चाबी क्यों निकाला, चाबी निकाल के एक मिनट, चाबी मिलेगी, अरे चाबी भाई चाबी आप निकल चाबी भाई, एक मिनट चाबी एक मिनट है, चाबी देखिए चाबी मेरे पास है, मोबाइल छोड़ो, मोबाइल आपने मोबाइल छोड़ो यार, पैसा दिया आपने, चाबी दीजिए।
देखा वीडियो आपने, जब पत्रकारों के साथ ऐसी वसूली होती है तो आखिर आम जनता के साथ कैसे ये लोग व्यवहार करते होंगे। आपको हमने लाइव दिखा दिया है कि किस तरह से हमारे मोबाइल को पकड़ा जा रहा था और रोका जा रहा था, आखिर क्या मजबूरी है। घर के लोग बैठे हुए हैं और प्रशासन हेलो डेथ बॉडी को लेके चले गए हैं, बताया जा रहा है भैंसाकुंड पहुंच गए हैं। अब जो भी है, मैं तो वहां गया नहीं हूं, लेकिन जैसा कि लोग बता रहे हैं, तो अब आप बताइए ऐसा कौन सा ये सिस्टम है, कानून है कि बिना घर लिए जाए और डेथ बॉडी को पुलिस प्रशासन लेकर जाए। आप सोचिए कि यहाँ पे देखिये ये सब बैठे हुए हैं घर के लोग, घर के सारे लोग यहाँ बैठे हैं, डेथ बॉडी लेकर चले गए। आखिर प्रशासन किस नियम के कानून के तहत डेथ बॉडी को ले गए? ये सामने माननीय अध्यक्ष जी आए हैं तो मैं इनसे भी अभी प्रयास करूंगा बात करने का, इनसे भी जानूंगा कि अभी ये क्या कार्रवाई करवा सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि बिना उसके परमिशन के घर के और बॉडी लेके चले गए? नहीं, गलत किए हैं और उस पर हम कार्रवाई के लिए बात कर रहे हैं, अभी डीसीएम से या कमिश्नर से बात कर रहे हैं। आप इनका पूरा सहयोग करिए, मदद करिए, मैं बहुत उम्मीद से आपको बुलाया हूं, तो मैं उम्मीद क्या करूं आपसे? इनका मदद होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा व्यवस्था करवाया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी को मैंने दिखाया आपको। जय हिंद, जय भारत।